Assalamu alaikum. Third proportion हम लोगों ने कल third, fourth और main proportion पढ़ा था. अब पहला है question number one, इसका है third proportion का. Third proportion का formula मैंने लिख दिया है, वही वाला b square over a, मतलब second proportion का square over first. तो आप इसके examples खुद करें. Exercise number 3.3. Question number 1 है हमारे पास. Odd इसमें हम करते हैं 5. अब देखिए इसमें x और y वेरिएबल गिवन है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन हल दैट required third proportion equals to t रखते हैं, उनको वाले लिखेंगे first या मतलब तीसरा मतलब वो है t. तो इसमें गिवन क्या है, बाय राइटिंग इन प्रोपोर्शन फॉर्म तनासुब की शक्ल में लिखने से तो ये इक्वल आएगा हमारे पास इसमें देखिए आप सेकंड कौन सा है बी स्क्वायर होगा ओवर ए थर्ड प्रमोशन ये देखें इक्वल आया x plus y होल स्क्वायर रेशियो सेकंड हमारे पास आया x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर रेशो लास्ट में थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास आ गया टी. अब हमें टी को फाइंड आउट करना है, एक्सट्रीम्स पे है. वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ extremes equals to product of means. हम जानते हैं कि तरफ़ेन का आसनेदर बराबर है वस्तेन का आसनेदर. तरफ़ेन में देखिए हमारे पास t मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये वस्तेन है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर. ये हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर ये रफ में
मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, एक्स कॉमन एक्स माइनस टू वाई, वाई कॉमन एक्स माइनस टू वाई, तो ये आया एक्स माइनस टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हमारे पास बना एक्स माइनस टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये टी इज इक्वल टू आया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये इससे कैंसल, जवाब आया एक्स माइनस टू वाई होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट सिक्स है हमारे पास, तो इसमें पी और क्यू वेरिएबल्स गिवन है क्वेश्चन में, हम लेट कर देंगे, लेट रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल्स टू एक्स, उर्दू वाले लिखेंगे फर्स्ट किया मतलब तीसरा मतलब एक्स है, देन भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यू रेशो पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन पी माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो क्या आया एक्स। अब एक्स देखिए आप एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और फैन का हासिल है बराबर है बस एम का हासिल है, तो तरफ एम देखिए हमारे पास ये है एक्स इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू ये बस एम पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये आया एक्स इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उसे लिखोगे आप पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, और में है पी क्यू प्लस क्यू क्यू, तो सब फार्मूला है पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर
हम ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, पी प्लस क्यू से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास है पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। फोर्थ प्रोपोर्शन, अब क्वेश्चन नंबर टू हमने करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन का फार्मूला हम पढ़ चुके थे, बी सी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन ओवर फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो चौथा मतनासर हमारे पास आ गया बी सी ओवर ए। तो इसका क्वेश्चन नंबर टू है, एक्सरसाइज नंबर 3.3, क्वेश्चन नंबर टू। इसमें हमने सारा फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर टू, तो अभी इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर टू में पार्ट थ्री करते हैं। सॉल्यूशन, उसमें ए और बी दिए हुए, लेट रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल्स टू एक्स। अब दोबारा लिखेंगे, फर्स्ट किया मतलब चौथा मतनासर वो एक्स है, फिर आप क्या करोगे, देन तो इसको हम लिखते हैं प्रोपोर्शन फॉर्म में, 15 ए रेशो पावर 5, B6 रेशो 10 into ए स्क्वायर B रेशो पावर 5 प्रोपोर्शन 21 ए क्यू बी क्यू रेशो एक्स आया। यहाँ से अब हमारे पास एक्स हमें चाहिए। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फैन का हासिल रिजल्ट बराबर है वस्तैन का हासिल रिजल्ट। फैन हमारे पास ये है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 15 ए रेस टू पावर 5 बी रेस टू पावर 6, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन है। टेन ए स्क्वायर बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 21 ए क्यू बी क्यू। तो हमें x चाहिए, x इक्वल आया 10 ए स्क्वायर प्लस ए क्यू ए 5 बना, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 21 कर लेते हैं, बी रेस्ट पावर क्या हो 8 ओवर में 15 ए रेस्ट पावर 5 बी रेस्ट पावर 6। 5 से काट के
2 आया या 3 और ये 7 14 a raise to power 5 से कैंसिल यहां आया b raise to power 6 into b square over b raise to power 6 इससे कैंसिल 14 b square ये हमारे पास आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन आ चुका है और फोर है हम लोगों के पास इसमें मिडटर्म रैंकिंग भी है सॉल्यूशन जो गिवन प्रोपोर्शन है हमारे पास उसमें एक्स मौजूद है तो हम लेट करेंगे लेट रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल्स टू एक्स और दोबारा लिखते हैं फर्स्ट किया मतलूबा चौथा मतनासब वो क्या है एक्स है धन तो प्रोपोर्शन फॉर्म में से लिखे आप एक्स में सॉरी यहाँ डी करेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 रेशो एक्स माइनस 3 प्रोपोर्शन 5x रेस टू पावर 4 माइनस 40x क्यूब रेशो टी आर अब आप इसके मिटर ब्रेकिंग करें रफ में कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 मल्टीप्लाई करो तो 24 आई ऐड करो तो माइनस का 11 आई x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 x कॉमन x माइनस 8 माइनस 3 कॉमन x माइनस 8 तो x माइनस 8 इंटू x माइनस 3 ये हमारे पास आया x माइनस 8 इंटू x माइनस 3 रेशो x माइनस 3 इक्वल कर लो 5x कॉमन x क्यूब माइनस 5x क्यूब कॉमन आएगा तो अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस 8 रेशो टी आर तो हमें टी चाहिए तो क्या करेंगे वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कल फैन का आश्रय बराबर है वस्तैन का आश्रय फैन में ये है टी इंटू एक्स माइनस एट एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू मीन्स में हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस थ्री इंटू फाइव एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री टी इक्वल आया एक्स माइनस थ्री यहाँ लिखना है फाइव एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस एट ओवर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एट तो ये इससे कैंसिल ये इससे टी इक्वल आया फाइव एक्स क्यूब यही हमारा आंसर है बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे हम पता